बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख चुके हैं वीडियो के शुरू में कि आज जो है हम स्पाइडरमैन का स्केच बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इजी मेथड है। तो तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आप जो है लेड पेंसिल की मदद से स्केच तैयार करें। जैसा कि आपको पता है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको आइडिया हो चुका है कि हम स्केच कैसे रेडी करते हैं। लेड पेंसिल लेकर और इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ कागज़ पर चलाना है और फिर नरम हाथों के साथ आप जो है स्केच रेडी करें। अगर गलती भी हो जाती है तो इसका ये फ़ायदा होता है नरम हाथ से चलाने का कि बाद में जो है उसको इरेज़ किया जा सकता है। शुरू में ये होता है कि जब भी हम कोई स्केच वगैरह ड्रा करते हैं तो इसमें बहुत सी गलतियां होती हैं। आपने इन गलतियों को फरामोश करते हुए आपने जो है ड्रा करते जाना है। होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ ड्रा करते हैं तो जिस हिस्से को हमने लंबा करना था वो छोटी हो जाती है, या जिसको छोटा करना था वो लंबी बन जाती है। तो इन बातों से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि आपने ड्रा करते जाना है और लाइनें लगाते जाएं ऊपर नीचे। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा लाइनें लगेंगी लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी लाइन मेरी सही है, किस हिस्से को मैंने ड्रा करना है बाद में मार्कर की मदद से। जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैंने कुछ हिस्सा स्किप करके जो है उसको कंप्लीट किया लेड पेंसिल की मदद से। अब जो है आपको पता है हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, पॉइंटर वगैरह लेके या कोई मार्कर वगैरह लेके जिस हिसाब से आपने उसको डार्क करना है या आपने लाइट करना है तो उस हिसाब से आप उसको लेके जो है वो ड्रा करेंगे और जो हिस्सा सही है उस हिस्से को आप जो है अच्छी तरह ड्रा कर लेंगे और उस हिस्से में आप लाइनें लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आप जो है लाइनें लगा रहा हूँ। ड्राइंग करते हुए अक्सर क्या होता है कि जो है टाइम तो लग जाता है, लेकिन जो लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, जिनको यानी स्केच वगैरह बनाने, ड्राइंग करनी है, राइटिंग, कैलीग्राफी, कुछ भी यानी जो आर्ट के हवाले से थोड़ा सा यानी शौक़ रखते हैं, उनके लिए जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो अपने काम में इतने मगन होते हैं कि उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। और ये सिर्फ शौक़ वाला बंदा ही कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं इस चीज़ को तो वो भी यकीनन शौक़ रखते होंगे। और अपने शौक़ को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, क्योंकि शौक़ में जो है जो काम आप शौक़ से करते हैं उसमें आपकी जो है सफाई बहुत आएगी, आपके काम में निखार बड़ा आएगा, आपके काम को सराहा जाएगा, आपके काम में खूबसूरती पैदा होगी और इसका एक दिन आपको सिला ज़रूर मिलेगा। तो अपने काम में डटे रहिए और मेहनत करते रहिए। उर्दू हैंड राइटिंग और उर्दू कैलीग्राफी के लिए अगर कोई मुझसे ऑनलाइन सीखना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि इस वीडियो के इंटरफेस से आपने देख लिया होगा, वो मुझसे रابطہ कर सकता है। अब जब आपने जो है लेड पेंसिल वाला हिस्सा जो है ड्रा कर लिया है पॉइंटर की मदद से या मार्कर की मदद से, तो बाकी जितना भी लेड पेंसिल वाला जो हिस्सा हमने ड्रा किया हुआ था उसको आप इरेज कर दें। अब जो है हम उसको शेड देने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा आसान है जी, सबसे पहले लेड पेंसिल ले लें। लेड पेंसिल का जहाँ जहाँ इस्तेमाल आपको लगता है कि हो सकता है तो वहाँ पे आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए उसको शेड देने की कोशिश करें। आपको पता है उसने जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है स्पाइडरमैन ने, तो आपको पता वहाँ पर जो है वो डब्बियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो उन डब्बियों में थोड़ी थोड़ी शेड आपने देनी है लेड पेंसिल की मदद से और बाकी हिस्से पर आपने हल्के हाथ से जो है वो लेड पेंसिल चला देनी है। स्पाइडर वाले कॉस्ट्यूम में आपने देखा होगा कि जो है स्पाइडर का एक साइन बना हुआ है,
जिसको जो है हम डार्क कलर देंगे ब्लैक में, और इसी तरह उसकी आँखों के गर्द भी हम जो है ब्लैक चलाएँगे। देखें, मैंने ब्लैक कलर लिया और उसकी मदद से मैं जो है उसी से को ब्लैक कर रहा हूँ। देखें, बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं और आप भी ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास फाइनल लुक बन के आ जाता है ना, तो फिर जो है उसमें कलर वगैरह करने बहुत आसान होते हैं। इसलिए जो लेड पेंसिल वाला काम है ना, वो बड़ी एहतियात से करें, उसमें गलतियाँ होंगी लेकिन कोई मसला नहीं, हम उसको इरेज कर सकते हैं। बार बार बनाएं और कोशिश करें, आप जल्दी ही सीख जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही सिखाना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।